अरे चाँद सी दूल्हा ने दिल आ गए सर रे सेहरा सजाने के दिन आ गए। और चलिए बारगाह मूसा में चलते हैं। मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह मौला की बारगाह में अरिजा पेश करते परवरदिगार, जब तू अपने बंदे से राजी होता है, अपने बंदे से खुश होता, अपने बंदे से राजी होता मौला, अपने बंदे को कोई इनाम देता तो अब इरशाद फरमाता ओ मेरा कली, जब अपने बंदे से राजी होता हो तो उस बंदे के घर होता क्या है। हमारे माशरे में अगर कोई रिश्तेदार लगातार महीने में दो तीन मरतबा आ जाए, बेटी आ जाए, दामाद आ जाए, घर वाले आ जाए, और भी रिश्तेदार आ जाए, बहनों ही बहन आ जाए, फूफा फूफी आ जाए, खालू खाला आ जाए, मुंह गिरा गिरा फिर पूछिए उससे क्या सतावल मामा क्या हाल चाल है। यो मुनि साहब तंग हो गए छो, क्या हुआ? एक हफ्ता 15 दिन से मेहमान के आए नहीं मिल रहा, तंग हो गए छो। अल्लाह सुनिए हां जा रहा है। रब इरशाद फरमाता हो कली उसी के घर में मान जाता है जिससे मैं राजी होता हूँ। सुनिए ना मोहब्बत के साथ के घर की बरकत के साथ यदि कली आ गए घर की बरकत के साथ। रात भर मैं शादी की नाक पर्दा रहूंगा इंशाल्लाह जी। घर में बरकत की शायद कमी आ गए घर में बरकत। अरे घर पे मेहमान बोला छोटका बाप सबका गेटरी नहीं खुला। हम देख रहे हैं यहाँ से वहां तक देख रहे हैं, वो बिल्कुल चुप बैठे हैं। अब एक शेर और आखिरी शेर आपकी बारगाह में के शादी करे जब निकाह की बारी आ रही है तो उससे पहले तो कुछ सीखते नहीं है,
जब निकाह की बारी आई तो इमाम साहब कलमा पढ़ाते अपने पढ़ाते ना।